कौन कौन कलाकार जुड़े हुए हैं अपनी और टीम मेंबर्स के बारे में कुछ बताइए। बिकॉज शॉर्ट फिल्म है ज़्यादा कैरेक्टर्स हमने नहीं डाला क्योंकि फिर स्टोरी जो है वो उतनी कॉन्सेंट्रेटेड फील नहीं होती। दो लीड एक्ट्रेसेस हैं, एक और पैरेलल लीड में सुनैना है जो हमने इनवाइट किया था बट शी नॉट वेल सो शी कुड नॉट कम। तो बेसिकली हम तीन लीड में हैं और फिर साइड रोल्स अराउंड तीन चार लोग और हैं बट आई मीन दे हैव गॉट लिटिल स्क्रीन प्रेजेंस बट इट्स मोस्टली द थ्री ऑफ अस फॉर द लीड। बट इसका टाइटल जो है दस्तक उसके बारे में क्यों है? दस्तक इसलिए क्योंकि जब मैं खून कर देता हूँ जब मेरी वाइफ का मेरे हाथ से खून हो जाता है तो मैं दूसरी लीड एक्ट्रेस के पास जाता हूँ और उसके दरवाजे पे दस्तक देता हूँ कि मुझे छुपाओ, तो कॉप्स मेरा पीछा कर रहे हैं तो मैं दस्तक लेके उसके फिर सारा स्टोरी उसको रिपीट करता हूँ एंड जस्ट ट्राई टू मतलब मैं बचने के लिए उससे हेल्प देता हूँ। राजेश जी 20 मिनट की फिल्म है इसमें म्यूजिक जो है कितनी देर का? पहले गाना नहीं था एक्चुअली, फिर राजीव जी ने बोला कि एक थीम सॉन्ग बनाओ जो स्टोरी से कनेक्ट करे मॉन्टाज में, तो गाना 2 मिनट का होना चाहिए। तो मैं बोला कि क्या सिचुएशन क्या है, तो उन्होंने सिचुएशन बनाई बताई तो फिर हमने गाना बना दिया। अच्छी ट्राई तो अच्छा किया, बाकी देखते कैसा बनाया हुआ। मैम खुद एक बहुत अच्छी सिंगर है, क्या उन्होंने अपनी आवाज़ इसमें दी है या फिर उनके कोई गाने भी आप रख सकते थे? नहीं एक्चुअली ये गाना जेम्स इनके ऊपर पिक्चराइज होना था तो वॉइस दस्तक 2 में मैं गाऊंगी वो फीमेल ओरिएंटेड सुशांत वर्मा पर मैं तो मैं चाहती हूं उसने गाया है, इज वेरी गुड सिंगर, सोलन का रहने वाला लड़का और उसने भी एक बंदा में बैठना भी गाना किया है जीरो जी, तो उसने गाना भाई सोलो सॉन्ग है मेरे जी। सर आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि आप बहुत जल्दी आप इस टेम्परेचर में आप नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, जब शूट आप कर रहे थे तो कैसा माहौल था सेट पर, कैसा माहौल था, क्लाइमेट कैसा था, क्या शूट करना आपके लिए आसान था या मुश्किल हो रही थी? थोड़ा हेक्टिक था हमारे लिए, तो बेसिकली हम लोग एक रिसोर्ट लिए थे उसमें गए थे रिसोर्ट राजस्थान सॉरी मैं सूरत था, तो वो नाइट मेरी फ्लाइट 6 बजे सुबह की थी और मेरा शूट 4 बजे ख़त्म हुआ था और जो मैंने 2 गाने और किए थे एक रिपब्लिक म्यूजिक के लिए और एक MSR के लिए, तो बैक टू बैक शूट हुआ था और पता नहीं उस समय कास्टिंग में मुझे बोला गया था स्वेटर्स और जैकेट्स पहनने के लिए, तो एट 42 डिग्री एवरेज स्वेटर्स एंड जैकेट्स, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब मुझे ये लगता है कि आप अगर एक बार टॉर्चर झेल लेते हो तो उसके बाद यू कैन सर्वाइव। तो इस बार हाँ, तो कल जब मैं MSR के लिए गाना शूट कर रहा था मुझे उतना फील नहीं हुआ, यहाँ जब मैं ऑटो में बैठा हुआ था क्योंकि मेरे जो कार था उसका फ्यूल खत्म हो गया रास्ते में, तो उसमें भी मुझे सूट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इन अ वे इट हेल्प बिकॉज एवरी लर्निंग एक्चुअली हेल्प्स यू ग्रो, सो अब आई एम काइंड ऑफ कम्फर्टेबल विद दिस। तो आपको कैसे एक्टिंग का शौक हुआ, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताया? श्योर, सो मैं जैसे मैंने बताया मैं मेलबर्न बेस्ड हूँ, मैंने कॉलेज वगैरह में यहाँ पे कुछ स्किट्स वगैरह किए थे बट वहाँ गया तो कुछ ब्यूटी पैरेंट्स वगैरह में मैं पार्टिसिपेट किया, वहाँ से मुझे डायरेक्टर्स लोकल डायरेक्टर्स ने मुझे काम दिया, फिर वहाँ की एजेंसी ने मुझे इनरोल किया तो उसके थ्रू मैं वहाँ काफ़ी एड्स वगैरह किया और फिर वहाँ से इंडिया में कुछ डायरेक्टर्स ने देखा मुझे, उन्होंने मुझे कॉल किया बोला कि कुछ काम करना चाहता हूँ, फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड, इट्स बीन अराउंड 7-8 ईयर्स दैट आई बीन इन टू दिस वर्क बोथ, बट मेरा ज़्यादा काम ऑस्ट्रेलिया में था बट मैं आता जाता रहता हूँ, तो अब यहाँ पर भी मेरा प्रोफाइल काफ़ी आपको हो रहा है, सो आई एम लुकिंग फॉर मोर बिगर ब्रेक्स, दैट्स द रीज़न इफ यू गाइस कैन नो। बट हु इज़ योर फेवरेट एक्टर इन बॉलीवुड जिसे इंस्पायर होते हो? मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि आई रिजेंबल क्या नाम बताया था आपने सिंह कपूर, आदित्य रॉय कपूर, सो आई थिंक आई लव द वे ही इज नॉट इन द मेन स्ट्रीम है बट बहुत पॉपुलर नहीं है, बट द वे ही एक्ट वे ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ ऑन द स्क्रीन इज क्वाइट गुड, सो आई थिंक आई लाइक दैट गाना। बट एवरग्रीन में अनिल कपूर इज द बेस्ट ऑब्वियसली, वो शुरू से लेके आज तक भी ही इज स्टिल मेकिंग द सेम रिस्पॉन्स। ठीक, आपको ऑस्ट्रेलिया में कुछ अवार्ड्स वगैरह भी हमें पता चला कि आपको मिले हैं, कुछ बताना चाहेंगे कौन कौन से अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं? यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ गाने के लिए भी आया था मूवी के और अवार्ड लेने आया था, मुझे FMBAF करके इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एंड पॉपुलर एक्टर अवार्ड दिया गया था मुंबई में, तो उसको उस
वो एक अवार्ड मुझे मिला जिसमें कि डॉक्टर प्रेम चोपड़ा भी आए हुए थे और मुझे और कुछ सेलिब्रिटीज भी, तो उनके थ्रू ये मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना मुझे ग्रेट एक्सपीरियंस। तो ये जो दस्तक है, दस्तक कब देने वाली है लोगों के बीच? दस्तक बहुत जल्द दस्तक देगी लोगों को, आई थिंक एक महीने दो महीने जब भी हो, बट हम लोग बस क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो हमको कॉन्टैक्ट करेंगे प्लीज़ आप हमको दो हमको दो, तो उसमें डायरेक्टर साहब थोड़ा सा कन्फ्यूज हैं कि किसको दूँ, तो वही हम लोग डील साइन करेंगे उस हिसाब से, बट वो सो भी इन अ मंथ और सो इट शुड बी आउट। थैंक यू। ऑस्ट्रेलिया से बेसिकली राजीव भैया जी जो इस फिल्म के फिल्म को जिन्होंने डायरेक्ट किया है, उन्होंने मुझे कॉल किया स्क्रिप्ट के बारे में, बोला कि एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मेरे पास, तो मुझे लगा कि आई विल बी अ ग्रेट फिट फॉर दैट। सो उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई, वो बोले ज़्यादा रिंग नहीं कर सकते, इस काइंड ऑफ शॉर्ट फिल्म बट ओनली ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो जैसे ही मैं सुना दो तीन लाइन में मुझे लगा कि क्वाइट नाइस स्टोरी, क्वाइट बहुत ही डिफरेंट स्टोरी, वैसे सब बोलते हैं मेरी स्टोरी डिफरेंट बट दिस वॉज वेरी डिफरेंट। बट उन्होंने बोला कि एक कंडीशन है कि तुम्हें जल्द से जल्द आना होगा क्योंकि हमारा सब कुछ लॉन्ग डेन है, बस नाटक का वेट करना है, जैसे आज बार सॉरी थोड़ा लेट हो गया मैं उसके लिए। तो फिर मैं यहाँ आया, हमारी टीम गई राजस्थान में, वहाँ हमने मेरे और भी कॉलेज थे साथ में, उनके दो तीन कॉलेज साथ थे, तो हमने अराउंड वन वीक टाइम लिया और फिर उसको शूट किया और फिर उसको अभी ये पोस्ट प्रोडक्शन टाइम चल रहा है। सब्जेक्ट बेसिकली ये है कि इन इन टू लाइन्स इट्स अ थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर। सो इट्स अबाउट अ हस्बैंड जो जिसने अपनी वाइफ का खून किया है, बट उसे पता है कि उसने अपनी वाइफ का खून नहीं किया है, तो वो बेसिकली वो बहुत डरा हुआ है क्योंकि कॉप्स उसको समझ रहे हैं कि उसने खून किया बट उसने नहीं किया, तो थ्रिल ये रहेगा कि एंड में जब रिवील जब दस्तक आए सब जने अपने अपने घर में बैठ के जरूर देखना, इट्स वर्थ इट, इट्स वंडरफुल फिल्म। एक शॉर्ट फिल्म के लिए इतनी सारी मेहनत इज वेरी अनयूजुअल, यू नो लोग कहते हैं चलो शॉर्ट फिल्म बनाए, बट इतना बढ़िया गाना डालना उसके अंदर एंड देन शूटिंग फॉर सो मेनी डेज, नॉर्मली शूट्स आर वेरी शॉर्ट बट दिस वॉज लाइक फुल टाइम एंड यू नो बहुत मेहनत गई है एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट बिकॉज राजीव सर के साथ काम करना, सब जने वेट करते कि उनके साथ काम करें बिकॉज ही इज सच अ रेनाउंड डायरेक्टर, सो इट वॉज रियली अ नाइस थिंग एंड आई थिंक ही इज डन अ वंडरफुल जॉब। हमने जब डबिंग के टाइम देखा सो आई फेल्ट द लुक इज रियली नाइस, बहुत अच्छी एक्टिंग की है इन्होंने, से कमाल के एक्टर है भाई। अच्छी या खराब है तब तक फिल्म खत्म हो जाएगी, तो ऐड देखने से अच्छा है कि आप इस पे देखो क्योंकि हम लोगों ने बहुत एफर्ट डाला है। मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, ये मुंबई से गई थी, ये मुंबई से गए थे, हमने काफी काम किया है, सो इट वुड बी अ ग्रेट थिंग इफ सब लोग थोड़ा देखे उसे और अप्रिशिएट करें। वो तो म्यूजिक डायरेक्टर साहब ही गाएंगे। दो लाइन बोलना देखो मैं याद नहीं, क्योंकि इट इज वेरी हाई स्केल सो नॉट वेरी मच कंफर्टेबल। चली जा रही है। आपने बताया अभी आप ऑस्ट्रेलिया में फिल्म कर रहे हैं, उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। रोमांटिक कॉमेडी है, इट्स कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड इश, एज यू नो इश इज सो कॉम्प्लिकेटेड, सो उसमें कुछ सॉन्ग्स हैं हमारे, तो मैं यहाँ आया था क्योंकि जो डायरेक्टर है उनका बेसिकली सिचुएशन आस्क इज कि इंडिया में एक सॉन्ग शूट होना चाहिए, सो लोका इज माइक्रो एक्ट्रेस, तो हमने दो दिन पहले इसके लिए एक सॉन्ग शूट किया, तो इंडिया में सॉन्ग रिलीज होगी एन एस आर चैनल पर और फिर फिल्म ऑस्ट्रेलिया में फिर एंड ऑफ द ईयर उस फिल्म में जाके वो शूट करूँगा। बताना चाहेंगे आपका आपके किरदार के बारे में, जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड डिश को आप लोग शूट कर रहे हैं उस फिल्म के बारे में। फन लविंग गर्ल है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत फन तरीके से शूट किया गया है, पूरा मुंबई बॉम्बे दिखाया गया है अच्छी तरीके से। कैसी फिल्म है, आपको कैसी लगी है फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा सा हमें बताना चाहिए। फिल्म की कहानी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, आपको वेट करने बट इट वॉज वेरी नाइस, वेरी
आप कुछ बताना चाहेंगे आपकी जो वो एक्ट्रेस है लोपा, उनके साथ कैसी केमिस्ट्री रही वेरी प्रोफेशनल आर्टिस्ट. सो हमारा शो चार बजे सुबह शुरू हुआ, 4 AM ऑल टाइम था. आई वॉज जस्ट वंडरिंग की पता नहीं स्टार्ट हुआ नहीं, बट शी वॉज द फर्स्ट वन टू रीच द, आई वॉज द सेकेंड वन टू रीच, आई रीच एट 4:10. बट फिर हमने 4 बजे से लेके 12 बजे तक शूट किया, फिर हमने गैप लिया एक लंच ब्रेक वगैरह, एंड देन टिल नाइट अराउंड 11 PM. सो इट वॉज अ बिग थिंग फॉर अस एक दिन में शूट करके जाना, बिकॉज आई कम विद अ टाइम प्रेशर. डायरेक्टर साहब ने बोला कि यू टू मेक श्योर कि सब कुछ एक दिन में. तो इनका किरदार अभी सॉन्ग का था, वह मैं थोड़ा स्टोरी के बारे में आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ. दो और एक्ट्रेसेस हैं जो कि लीड है. मैं बेसिकली एक ऐसा धंधा हूँ जो कि लव मैरिज में विश्वास ही रखता हूँ, एक फैमिली मैन हूँ. हमारी शादी हो गई है बट मेरी जो वाइफ है शी इज़ वेरी वेरी जॉब ओरिएंटेड, शी वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ मी बिकॉज मैं चिप्पू हस्बैंड हूँ. तो दूसरी एक्ट्रेस के साथ मुझे टाइप करके खुद निकलना चाहती है, बट हम ऐसा गेम खेलते हैं जिससे कि शी रियलाइजेज दैट आई लव हर एंड शी शुड नॉट लीव मी. तो ये इसी के अराउंड वो कॉमिक टाइमिंग चलती है हमारी. और आप लोगों की जोड़ी कैसे बनाई गई, लोपा भी क्या ऑस्ट्रेलिया से है या उनको कास्टिंग किया गया? हमें ऐसा फेस चाहिए था जो बॉम्बे के साथ शूट करेगा, क्योंकि ये सॉन्ग बेसिकली पूरे बॉम्बे को दिखाना चाहते हैं. She was a perfect fit for that. काफ़ी लोग अराउंड 30-40 लोगों ने ऑडिशन दिया था इस सॉन्ग में. यू आर वेरी वहाँ के जो डायरेक्टर है इज क्वाइट चूजी, सो इज मेकिंग श्योर की जो फेस है वो, क्योंकि ये वहाँ के स्क्रीन्स पे जाएगी. सो जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर आपको फेस लाइक है. कब तक रिलीज होगी कुछ आइडिया? ये हमें बाई द एंड ऑफ द ईयर डेफिनेटली इट शुड बी.